गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द फिफ्थ क्लास सब्जेक्ट जीके। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज आवर अर्थ। दिस चैप्टर इज लाइक फॉर ग्रीन। वी नीड टू फिल द ग्रीन विद द क्लूज आंसर। यहाँ पे आपको कुछ क्लूज दिए हैं, मतलब कि क्वेश्चन दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन के आंसर को आपको इस ग्रीन में वर्ड फाइंड करके फिल अप करना है। जैसे कि कोई भी वर्ड है, जैसे एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, इसके आंसर को आपको इसमें इस जो ये ग्रीन दी हुई आपके बुक में, ये ग्रीन सबसे ऊपर दी हुई है, तो इसके इसमें आपको क्या करना है ना, उसको फाइंड करके उसे बॉक्स में पैक करना है। ठीक है, मॉडल का मतलब होता है पिघलती पिघलती हुई रॉक्स से, जिसे मैग्मा
एटमॉस्फेयर की वो लेयर विच प्रोटेक्ट अस, जो हमें सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी रेडिएशन यानी किरणें ऑफ द सन। सन की पराबैंगनी किरणों से जो हमें सुरक्षित रखती है लेयर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? आपने नाम सुना होगा ना ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? जो सूर्य से, जो सन से, सूर्य से पृथ्वी पर एक हार्मफुल रेस आती है, रेडियंस आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? अल्ट्रावायलेट। हिंदी में क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो उससे हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है कौन सी लेयर? ओजोन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल। 6 भी कंप्लीट हो गया था। 7, एन ओपनिंग। ओपनिंग यानी खुला हुआ। इन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी हमारे जो अर्थ है, इसका जो ओपनिंग खुला हुआ भाग है, फ्रॉम वे जहां से मैग्मा फ्लो, मैग्मा बाहर निकलता है, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैल्केन। वैल्केन कहते हैं ना ज्वालामुखी। ठीक है, तो वैल्केनो हमारे अर्थ सरफेस का ओपनिंग यानी खुला हुआ भाग जहां से मैग्मा मैग्मा बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? वैल्केनो। ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेयरिंग अवे ऑफ सोल ड्यू टू द नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेस। हम ह्यूमन के द्वारा यानी हम लोग के द्वारा जो कारण से सोल का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं? जो मतलब नेचुरल या नेचुरल बन जाता चार चैप्टर पढ़ने इसके लिए पीएम। ठीक है, फिर हम पीएम के साथ कंटिन्यू करें।
रिविजन करते जाइए, रिमेम्बर करते जाइए, पढ़ते जाइए और एग्जाम भी दीजिए, घर में रहिए, इससे ओके। थैंक यू।